बिग बॉस के घर में पहुंची आलिया भट्ट की सौतेली बहन पूजा भट्ट की जिंदगी से वो पर्दा उठ गया है जिसकी आड़ में एक गहरा राज छिपा था। 51 साल की पूजा भट्ट माँ बनना चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि ना वो माँ बन सकी और ना ही पति के साथ अपना रिश्ता बचा पाई। तमाम कोशिशों के बावजूद पूजा को औलाद का सुख नहीं मिल सका। पूजा ने बिग बॉस के घर में दूसरी कंटेस्टेंट बेबिका ध्रुवे के सामने अपनी जिंदगी का राज खोल दिया। इस दौरान पूजा का दर्द खुलकर सामने आ गया। बेबिका ने पूजा से पूछा कि क्या वो मैरिड थी, जिसके जवाब में पूजा ने कहा, मेरी शादी को लगभग 11 साल पूरे हो गए थे, फिर हमने तय किया कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है हम दोनों के बीच, तो एक दूसरे से झूठ बोलकर क्यों दिलासा दिया जाए, ये कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं होता, हमें सिर्फ एक मौका मिलता है शादी करने के लिए। पूजा ने इसके बाद माँ बनने को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। पूजा ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में एक बच्चा चाहती थी। पूजा ने कहा, उस समय मेरा मन सही जगह पर नहीं था, जब मैं बच्चे चाहती थी तब मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, मुझे बच्चे बहुत पसंद है लेकिन फिर मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी, किसी से फिर कभी ना मिलने का रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, जब हम झूठ बोलते हैं तब वहां से ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, जो भी था अच्छा था, हमने एक दूसरे के आत्मसम्मान की इज्जत बनाए रखी और अपने अपने रास्तों को अलग करके आगे बढ़ गए। पूजा भट्ट ने साल 2003 में वीडियो जॉकी और बिजनेसमैन मनीष मखीजा से शादी रचाई थी। दोनों अपनी पहली मुलाकात में ही अच्छे दोस्त बन गए थे। 2 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2003 में शादी कर ली थी, मगर दोनों का रिश्ता नहीं चल सका और शादी के 11 साल बाद 2013 में उनका तलाक हो गया और तब से पूजा अब तक सिंगल ही है। पूजा किस राज पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।